हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं सतवीर कल्याण और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट को। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक पॉइंट या एक टॉपिक बताने के लिए कहा था, लेकिन मैं उस वीडियो में नहीं बता पाया क्योंकि मैं भूल गया। तो उस पॉइंट को और उस टॉपिक को जो था वो मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। वो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक और पॉइंट है, यानी बेसिक कंसेप्ट है। ठीक है, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, तो आप वीडियो के साथ बने रहें। तो जो हमारा मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है, ये जो आपके दो टाइप के होते हैं, ठीक है, जनरली दो टाइप के आपके मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट होते हैं। पहला जो होता है वो होता है आपका अट्रैक्शन टाइप और दूसरा होता है रिपल्सन टाइप। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अट्रैक्शन टाइप, यानी हम डिस्कस ही अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन मीटर के बारे में करेंगे। रिपल्सन सेम होता है और ज्यादा एग्जाम में नहीं पूछा जाता, ज्यादातर क्वेश्चन आपके इससे ही पूछे जाते हैं। तो डिस्कस करते हैं हम अट्रैक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट को। तो पहले हम इसमें कंस्ट्रक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम इसका प्रिंसिपल देखेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा पीएमएमसी मीटर था जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, उसमें क्या होता है, आपका जो मूविंग सिस्टम होता है वो कॉइल होती है, तो इसलिए उसे क्या बोला जाता है, पीएमसी मीटर। ठीक है, और इसमें जो आपका मूविंग सिस्टम होता है वो आपका ये होता है, ये आयरन डिक्स होती है। क्या कहलाई जाती है, आयरन डिक्स कहलाई जाती है। तो इसलिए इसे मूविंग आयरन कहा जाता है, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि डिफरेंस क्या होता है। उसमें आपका जो मूविंग सिस्टम था वो आपकी कॉइल थी, और इसमें आपका जो मूविंग सिस्टम है वो आपकी एक आयरन डिक्स होगी। ठीक है, और इसमें एक डिफरेंस और होता है, मैं आपको डिफरेंस भी बताता रहूंगा पीएमसी मीटर और मूविंग आयरन मीटर के बारे में। जो आपकी इसमें मैग्नेट यूज की जाती है, जो आपकी इसमें मैग्नेट यूज की जाती है, ये आपकी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेट, और जो आपकी क्या कहते हैं पीएमसी मीटर में होती है वो होती है आपकी परमानेंट मैग्नेट। यानी जो आपका मूविंग आयरन मीटर होता है, इसमें क्या होता है, आपका मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए जो मैग्नेट यूज की जाती है वो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है। ठीक है, और ये इसमें जो ये चीज है, ये है हमारा डैम्पिंग टॉर्क प्रोवाइड करवाने के लिए। ठीक है ना, ये होती है हमारी एयर डैम्पिंग चैम्बर है, क्योंकि इसमें जो हमारा मूविंग आयरन मीटर है इसमें हमारा एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज की जाती है। ठीक है, और जो इसमें कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड किया जाता है वो यहाँ से किया जाता है। अब कंट्रोलिंग टॉर्क क्या यूज किया जाता है, इसमें कंट्रोलिंग टॉर्क होता है हमारा स्प्रिंग कंट्रोल। ध्यान देना, जो कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड किया जाता है वो स्प्रिंग कंट्रोल मेथड से प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, और जो पीएमसी मीटर होता है, पीएमसी मीटर में जो हमारा एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज नहीं की जाती, वहां पर की जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन। तो इसमें जो आपको आउटपुट मिलेगा वो आउटपुट मिलेगा आपको इस स्केल पे, क्योंकि जब आपका पॉइंटर मूव करेगा तो आपको जो आपकी रीडिंग मिलेगी वो आपको इस स्केल पे मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसके वर्किंग प्रिंसिपल की। तो वर्किंग प्रिंसिपल में क्या होता है इसमें कि, एक मिनट रुकिए। तो वर्किंग प्रिंसिपल ये हमारी जो होती है, ये हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है, मैंने आपको बताया था, इन्हें हम फिक्स कॉइल भी बोलते हैं। ठीक है, आपको एसी मेजर करना हो या डीसी मेजर करना हो, क्योंकि ये एसी को भी मेजर कर सकता है और डीसी को भी मेजर कर सकता है। ठीक है, दोनों चीज आपका मूविंग आयरन मीटर दोनों आपका मेजर कर सकता है। आपको जो भी मेजर करना होता है, करंट मेजर करना होता है या वोल्टेज मेजर करना होता है, वो आप इन इलेक्ट्रोमैग्नेट में देंगे, यानी आपका जो इनपुट होगा वो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट में जाएगा। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या करती हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती हैं, यानी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है यहाँ पर। जब मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है तो उसमें क्या होता है, जो आपका ये होता है आयरन डिक्स, ये डिक्स होती है जो आयरन की बनी होती है, ये आपकी अट्रैक्ट होती है। क्यों अट्रैक्ट होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी आयरन का जो पीस होता है वो मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होता है, तो इसलिए जो ये डिक्स होगी ये भी अट्रैक्ट होगी। और जब ये अट्रैक्ट होगी यानी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पहुंच जाएगी, तो आपकी जो ये डिक्स है ये मूव करने लगेगी। ठीक है,
जब ये मूव करने लगेगी तो इससे क्या होता है, आप देखिए ये जो आपकी डिस्क थी ये आपकी कनेक्ट होती है इस सेल से, इस सॉरी स्केल से, ठीक है। ये जो आपकी डिस्क है ये कनेक्ट रहती है हमारी स्केल से, और स्केल जब आपका डिस्क मूव करेगा तो आपका स्केल भी मूव करेगा। आपका अगर स्केल मूव करा तो आपका क्या हुआ, आपको रीडिंग मिलेगी, यानी आपको आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका बेसिक प्रिंसिपल होता है मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा इसका वर्किंग प्रिंसिपल। आपको मैं एक बार और बता देता हूँ, ये आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेट होती हैं, यानी आपकी फिक्स कॉइल होती हैं। आपका जो इनपुट होता है एसी या डीसी या वोल्टेज या करंट जो भी आपको मेजर करना होता है वो आपको इन पर यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट को देना होता है। अब क्या होता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होती हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती हैं, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती हैं, और जो ये हमारा आयरन यानी आयरन की डिस्क होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने के कारण ये आयरन की डिस्क इसकी तरफ यानी मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होती है। क्यों अट्रैक्ट होती है, क्योंकि जो हमारा आयरन पीस होता है वो मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होता है, और जो ये डिस्क होती है ये कनेक्ट रहती है हमारी स्केल से, डिस्क कनेक्ट रहती है स्केल से, तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो ये डिस्क होती है ये मूव करती है। मूव करने से क्या होता है, हमारा स्केल भी मूव करता है और हमें आउटपुट मिल जाता है। तो इन सब के बारे में मैंने लिख दिया है, ठीक है, आप देख लेना, मैंने लिख दिया है, आपको दिखाता हूँ, एक मिनट रुकिए, ये ठीक है, ये सब मैंने यहाँ लिख दिया है कि क्या क्या होता है। आपका जो मूविंग एलिमेंट होता है वो होता है आपका आयरन डिस्क, ठीक है। जो आपकी फिक्स कॉइल होती है यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट होती हैं उसमें आपका मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है यानी प्रोड्यूस होता है। क्यों प्रोड्यूस होता है, क्योंकि उसमें करंट फ्लो होता है, ठीक है। जो आपका कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड किया जाता है वो प्रोवाइड किया जाता है स्प्रिंग कंट्रोल या ग्रेविटी से। हम जानते हैं कि जो इस कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड किया जाता है वो दो मेथड से प्रोवाइड किया जाता है, एक स्प्रिंग कंट्रोल टेक्निक से और एक ग्रेविटी, ठीक है। तो इसमें जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट होते हैं हमारे, इसमें जो हमारा कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड कराने की जो टेक्निक होती है, मेथड होता है, वो होता है हमारा स्प्रिंग कंट्रोल। यानी अगर आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो स्प्रिंग कंट्रोल मेथड होगा, ठीक है। बात करते हैं डैम्पिंग टॉर्क की। जो डैम्पिंग टॉर्क हमारा जो है, मैंने आपको दिखाया था एयर चैम्बर होता है, ठीक है, यानी द डैम्पिंग डिवाइस कंसिस्ट ऑफ एन एयर चैम्बर, और इसमें जो डैम्पिंग टॉर्क प्रोवाइड किया जाता है वो प्रोवाइड किया जाता है एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग से, ठीक है। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के बारे में बात करते हैं, तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की मैंने आपको बताया था, द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इन एनी मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट इज ड्यू टू फोर्स ऑन ए स्मॉल पीसीज ऑफ मैग्नेटिकली सॉफ्ट आयरन, यानी जो सॉफ्ट आयरन की डिस्क थी, ठीक है, डेट इज मैग्नेटाइज बाय ए कॉइल कैरिंग ऑपरेटिंग करंट, ठीक है। तो मैंने अपने डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के बारे में डिटेल में ऊपर बताया था, ये मैंने लिख दिया है, आप पढ़ लेना। अब जो इसमें मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं ये आप वोल्ट मीटर की तरह भी यूज कर सकते हैं और एमीटर की तरह भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और जो ये इंस्ट्रूमेंट होते हैं मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, ये आपके एसी पर भी यानी एसी को भी मेजर कर सकते हैं और डीसी को भी मेजर कर सकते हैं। ये क्यों मेजर कर सकते हैं इसके बारे में बात हम अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो ये आपका अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन मीटर था। तो अब हम चलते हैं प्रीवियस वीडियो के बारे में। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक बात बताई थी कि इस रेजिस्टेंस, जो ये रजिस्टर होता है, सीरीज मल्टीप्लायर रजिस्टर होता है, इसके बारे में मुझे आपको बताना था, जो मैं आपको बताने के लिए भूल गया था, ठीक है। अगर मैं आपको एक बात और बताऊं, अगर आपको फुल वेव रेक्टिफायर, ये फुल वेव रेक्टिफायर का सर्किट है, यानी रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट है, पीएमसी मीटर है, ये सब मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। अगर ये आपको देखने हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है, और उनके डिस्क्रिप्शन पे भी मैंने लिंक दे दिया है, ठीक है। तो इस रजिस्टर के बारे में करते हैं बात। ये जो आपका रजिस्टर होता है ये होता है आपका सीरीज मल्टीप्लायर रजिस्टर, ठीक है। ये इसलिए लगाया जाता है, जो ये हमारा डायोड होता है ना, इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो कैसी होती हैं, हमारी नॉन लीनियर, यानी जो हमारा डायोड होता है वो नॉन लीनियर होता है। यानी इसका मतलब ये है, जो इसका रजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, वो चेंज होता रहता है। अगर आपका रजिस्टेंस चेंज होता रहेगा तो क्या होगा, आपको रीडिंग सही नहीं मिलेगी,
यानी आप यहाँ पे देखिए इसके करेक्टरिस्टिक्स में कैसे चेंज होता है। आपका जो स्टार्टिंग में होता है इसमें करंट फ्लो होती ही नहीं है, लेकिन एक टाइम के बाद इसमें बहुत ज़्यादा करंट फ्लो हो जाती है। यानी यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस हाई था और यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस बहुत लो हो जाता है, ठीक है। तो आपका जो डायोड होता है नॉन लीनियर होता है, इसका रेजिस्टेंस चेंज होता रहता है। तो इसके रेजिस्टेंस को कांस्टेंट करने के लिए हम सीरीज मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस का यूज करते हैं, ताकि जो हमें रीडिंग मिलती है वो हमें एक्यूरेट रीडिंग मिलती है, ठीक है। पीएमसी मीटर में अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं, इसकी वर्किंग को मैंने डिटेल में समझाया हुआ है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।